क्या ये मुस्लिम आदमी घर में हमेशा झांकता था? तो आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। एक मुस्लिम लड़का हिंदू आदमी के घर में झांक रहा होता है और जब उसे घर में कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है और मुस्लिम लड़के को ऐसा करते देख उस घर की एक औरत देख लेती है। फिर अगले दिन जब वो औरत घर में कुछ काम कर रही होती है, तब वो देखती है कि फिर वो मुस्लिम लड़का उसके घर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। फिर वो मुस्लिम लड़का अपने जेब से फोन निकाल कर किसी को फोन करता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो औरत उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो वहां से जा चुका होता है। तब वो औरत अपने बेटे को कॉल करके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है, जो कि मोबाइल से कनेक्ट होता है, और अगले दिन रात को यही दिखाया जाता है कि वही मुस्लिम लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिसके बाद वो औरत इससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, जिसके बाद वो लड़का जवाब देता है कि मैं आपके बेटे सुमित का बचपन का दोस्त हूँ, जिसे आप बचपन में हाथों से खिलाया करते थे। ये सुनते ही औरत उसे अंदर बुला लेती है और उसे कुछ खाने को देती है। दोस्तों, हर आदमी गलत नहीं होता है, तो इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।